का कार्यकर्ता बंधू और मेरे सामने बैठे हुए इस तरफ मेरी माता बहने सभी बुजुर्ग भाइयों, हम यहाँ बैठे हैं अशोक गहलोत की सरकार को हटाने के लिए। आया तो बात कर सके और किसी के ध्यान में और कुछ है नहीं, सबके ध्यान में यही है कि अपने को यहाँ से जब संकल्प लेके निकलेंगे तो यही संकल्प लेके निकलेंगे कि बस अब अशोक गहलोत की सरकार को अपना एक मिनट भी उस कुर्सी पर बैठने का मौका अपने को नहीं देना है। आपको सिंगल फेज बिजली की लाइन दी और जाते जाते 18 घंटे तक 20 घंटे तक वो लाइन मैं बिजली ला के आपको घर में दे दी, ये मेरी उपलब्धि है। बस अगर मैं आपको कह दूं कि कल मैं टेट की एग्जाम को खत्म करके और आरपीएससी को फिर से व्यवस्थित रूप से परीक्षाएं देना चाहूंगी तो ये मेरी आज के दिन उपलब्धि नहीं, घोषणा है। घोषणा और उपलब्धि में फर्क है कि नहीं? उपलब्धि वो है जो मैंने कर लिया है और घोषणा वो है जो मैं करने जाऊंगी। अब ऐसे तो कांग्रेस की मैंने हजारों घोषणाएं, मैं ये अभी उनकी घोषणाएं पढ़ रही थी तो सबसे पहले और मैं तो बताओ मैं कर लिया कि नहीं, ये घोषणा पत्र के अंदर है बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा, बढ़ गई बिजली की दरें बढ़ी तो ये घोषणा ही रह गई और झूठ साबित हो गई। दूसरी घोषणा 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा मिली आपको? नहीं मिली तो ये भी घोषणा वैसे तो वैसे पड़ी रह गई। किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली मिली? नहीं मिली। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि बिजली तो मिलती नहीं है और कहने के लिए है ये घोषणा, उपलब्धि नहीं है। अगला है आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को वेस्ट लैंड का आवंटन करने की घोषणा मिली? किसी को वेस्ट लैंड जमीन मिली? यहाँ तो ये हुआ कि किसान की जमीन जरूर दे रहे हैं पर किसी किसान को जमीन दे नहीं रहे, ये तो मैंने नहीं देखा। उसके बाद बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है क्या कहीं? मेरे को ये मालूम है कि नीम राणा स्थित जो भी इकाइयां हैं वो तो उठ उठ के वापस जा रही हैं, ये जो इकाइयां हैं वो सब बंद हो रही है। हमारे रोजगार का एक बहुत बड़ा उपलब्धि थी कि यहाँ लोग आएंगे या नौकरियां खुल जाएंगी, लोगों को सरकारी और गैर सरकारी दोनों नौकरी मिलेगी। अब ये सब उठ उठ के वापस जा रहे हैं। घोषणा पत्र में ये कहा था कि 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी हम देंगे, ये 4.5 साल तो हो गए, मिली नौकरी? किसको मिली? मेरे को तो नहीं समझ में आया क्योंकि अभी 2,200 पद पटवारी के निकले तो 7 लाख लोग वो पटवारी के परीक्षा में बैठने को गए और 12 लाख लोगों ने आवेदन भरा और 350 एलडीसी की नौकरियां निकली सचिवालय के अंदर और वहां 2.5 लाख लोगों ने लाइन लगा के खड़े होके उसमें नौकरी लेने का आगाज किया। इसका मतलब अगर नौकरी मिल रही होती तो 10 लाख 12 लाख लोगों को ऐसे घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें पेट्रोल और डीजल पर स्थानीय करों में छूट देने का फायदा, अभी तक छूट मिला किसी को? मेरे को इतना मालूम है कि 4 दिन पहले तो पेट्रोल 2 रुपए के हिसाब से बढ़ गया और परसों के दिन मेरे को ये मालूम है कि डीजल 50 पैसे बढ़ा है और मेरे ध्यान में ये आया है कि ये निर्णय उन्होंने अंदर ले लिया है कि हर महीने 50 पैसे डीजल अपन चुपचाप से बढ़ा दो। अरे पब्लिक कहेगा 50 पैसे ऐसे करते 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 जितना आपने को बढ़ाना उसको अपना बढ़ा के आराम से रखेंगे, ये हर महीने डीजल के पैसे बढ़ाने का इंतजाम शुरू हो गया है। पैसा जमा होने पर 30 दिन में बिजली के कनेक्शन आपको मिल जाएंगे, मिलेगा किसी को? जहां मैं गई हूँ लोगों ने कहा है, अभी स्पीकर के हिसाब से मैं आ रही थी तो 20,000 आवेदन पत्र
पड़े हुए, उन्होंने डिमांड नोटिस भी जारी करे, उन्होंने अपने पैसे भी बंद कर दिए। अभी तक डिमांड नहीं जारी हुआ है, अभी किसी को कनेक्शन नहीं मिला है। मैं अभी सपोटरा और करौली से निकल रही थी तो जब वहां एक बेचारा गरीब किसान मेरे सामने आया, उसके टना हुआ था एक मीटर, उसके हाथ में था एक बिल का कागज और मेरे को रोक के बोला, मैडम ये मेरे कंधे पर एक मीटर और ये मेरे हाथ में 5,000 का बिल, मैं डिमांड उनके लिए इतने दिन से चाह रहा हूँ कि मेरे को कनेक्शन मिल जाए, मेरे घर में ना तो है कनेक्शन, मेरे घर में ये मीटर जो है वो टंगा हुआ है और मेरे हाथ में 5,000 का बिल आ गया, बताओ मैं क्या करूँ, किस कहा जाकर पेमेंट करूँ। मैंने उसको तुरंत ही टेलीफोन किया, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, जिस आदमी के घर के अंदर कनेक्शन ही नहीं है, वो मीटर लेके अभी घूम रहा है, उसके हाथ में आपने 5,000 का बिल पकड़ा दिया और आपको शर्म नहीं आती, आप बीसीआर के द्वारा 1-1 लाख 2-2 लाख निकाल रहे हो, इस तरीके से किस तरीके से आप लोग बेचारे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। रात रात में ही कनेक्शन दे गया, दूसरे दिन मीटर भी लग गया, 5,000 का बिल घट गया क्योंकि उससे कभी लिया ही था। और मेरे पास बड़ा बड़ा दूसरे दिन आया और कहा कि साहब आपको बड़ा मजा आ गया कल रात को, मेरे को कनेक्शन भी मिल गया, मीटर भी लग गया और बिल भी भर गया। मैंने कहा कि हम लोग सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर आपको हम बिजली नहीं दे रहे हैं तो उसका बिल हम कैसे दे सकते। जिस दिन मैं आपको पूरा बिल बिजली दूंगी उस दिन पूरा बिल भी दूंगी और मैं कह के दूंगी और मैं समझती हूँ कि आप दोगे भी, क्योंकि आप कहोगे कि सरकार दे रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो हमको तब हो जाती है जब आप हमको कुछ देते नहीं हो, वादा करते हो, जब नहीं देते हो तब हम आपसे रख के आते हैं और तब हम कहते हैं कि हम बिल नहीं पेमेंट करेंगे और तब हम आंकड़े लगाते हैं, तो हमें आंकड़े लगाने का किसी को शौक नहीं है, किसी को शौक नहीं है। और मैं कह रही हूँ माता बहन, जब मैंने आपको 18-20 घंटे बिजली दी तो मैंने कह के रखा कि सब आंकड़े उतरेंगे, 20% से नीचे चोरी आ जाएगी, उन गाँव को फुल 24 आवर्स बिजली हम देंगे और देखिए थोड़ा कहीं थोड़ा बताओ मेरे अगर विश्वास मिलाया तो उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम सरकार का है, झूठ बोल के नहीं। अब 53 वर्ष इन लोगों ने सरकार चलाई है और झूठ के ऊपर चलाई है, झगड़े के ऊपर चलाई है। मुसलमान हिंदू को लड़ा दो तो एक का वोट मिल जाएगा, इस तरीके से 53 वर्ष चलाया है, उन्होंने विकास का नाम नहीं लिया। आप देखो नरेंद्र मोदी जी को 15 साल में गुजरात का क्या होगा, देखो यहाँ से लोग भाग रहे थे जाए गुजरात में, लेकिन मेरी मंडी की मंडी उठ के सिरोही से दादर से उठ के चली गई है गुजरात, क्यों, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं कि भाई हमको भी पैसा बना लेंगे, 2 पैसे हम भी बना लेंगे, वहां अपना धंधा भी चला लेंगे, वहां अपना काम भी कर लेंगे। वहां मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए आप 10 साल के अंदर कितना फर्क पड़ गया, और यह 53 साल के साथ हम इतना ही नहीं कर पाए, यही गड्ढे में बैठे हुए हैं, यही रोज चिल्लाते हैं कि दो दिन हमारी बिजली नहीं आ रही। अभी मैं पढ़ रही खंडेरा का, देखो खंडेरा शहर के अंदर सबसे मुख्य समस्या आपकी है पानी की, ये 40 से 50 साल पुरानी टंकी है और उसमें से पाइपलाइन जो निकले हुए इतने पुराने और सड़े हुए हैं कि व्यवस्था पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, सही है कि नहीं, सही है। और 2 साल पहले एक टंकी बनी थी और उसके मात्र से खराब पानी मिल रहा है। अब जब सरकार ये सब ऐसे ही करेगी तो उसमें क्या फायदा आपको मिलेगा, ये देख लो। मैं बार बार सब लोगों को कह रही हूँ, ना तो रोड बने हैं, ना पीने का पानी है, ना बिजली है, ना बीज है, ना खाद है, ना नौकरी है, ना रोजगार है, महंगाई कहां से काम छू रही है। अभी मुफ्त दवाइयों की कितना आप लोगों को नोटिस, बैठो जी, ध्यान से, हाँ अभी नहीं कोई जाएगा, अभी मेरा मजा भी, मैं भी अभी मजा लूंगी, मैं अभी तीन आपसे पूछा, एक तो मुफ्त दवाई का और मुफ्त जांच का, बोला है क्या मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई किसी को नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको बता दूं कि मुफ्त दवाई की गुणवत्ता का नमूना उदयपुर बाटी नहीं अभी अभी सामने आ गया, अभी अभी पश्चिम से लेके आ रही है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन के कांच के टुकड़े, वहां क्या बात है, मुफ्त दवाई ऐसी ले लो कि वो तो मुफ्त आता है, एक इंजेक्शन
मैं ढेर हो जाओ, ये स्थिति मैं तो कह रही हूँ कि मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो पैसे देने को तैयार हूँ, या मुफ्त दवाएं मरना क्यों है। ये इस तरीके से ही टुकड़े हो सकते हैं, कल को किसी में सीरियस हो जाए, तो अंदर चला जाए, तो वो मुफ्त दवाई की वजह से, कांच की वजह से ऊपर चला जाएगा। ये स्थिति आज हो रही है। तो ऐसा हम लोगों को झूठ बोलने क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ कोई बैठा है जिसको एक किलो के हिसाब से गेहूं मिला है, बड़ा वजह सच्ची है, किसी को मिला नहीं मिला। आप ही कह रहे हैं कि हम गेहूं देंगे सबको, तो कहाँ रखेंगे राजस्थान के अंदर, और कौन है वो जो बता सकेगा क्योंकि वाकई में गेहूं आया और इतने करोड़ का गेहूं आया। बताएंगे कि गेहूं आया और रखेंगे सब अपने जेब में, ये तो खून खाने पीने का एक बहुत बड़ा फायदा है। और मैं सब लोगों को कह रही हूँ, भ्रष्टाचार को हम लोग कभी ना कभी खत्म करना है। या है कोई जिसको 55,000 रुपए मिले कमरा बनाने के लिए? नहीं मिले तो बताया कि आप रिश्वत नहीं दिए होंगे। अगर 55,000 का आप लोगों के पास लिमिट में आ गया और आपने 10,000 रुपया रिश्वत में दे दिया, तो ये समझ के चलिए कि 40,000 रुपया आपको मिल जाते, नहीं तो आपको किसी को पैसे मिलने वाले नहीं है। ये तो ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है, पूरा बना हुआ है। ये राजस्थान के अंदर चाहे बिजली में हो, चाहे पानी में हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, मैं देख रही हूँ सब लोग और ये मंत्री लोग तो जिस तरीके से खा रहे हैं। अभी पूरे आपके बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर के अंदर इतने जोरदार धंधा हो रहा है जमीन का। रॉबर्ट वाड्रा आए, उन्होंने जमीन 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा खरीदी क्या दे दी गई उसको सस्ते मार पे, और उसे बहुत अच्छे दाम पे उसको बेचिए और आराम से निकल गया। कितने पैसे बना दिए हमारे किसी भी गुलाम गरीब किसान को, 1 बीघा 2 बीघा किसी को भी नहीं मिला। ये तो परिस्थिति है, और मैं कह रही हूँ कि ये जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी, जब तक हम लोगों का शोषण करते रहे, ये राजस्थान नहीं उठ सकता है जब तक ये कांग्रेस जिंदा है। इसलिए मैं आप लोग सबको कह रही हूँ, माता बहने, चाहे कितनी भी गर्मी अभी आपको लग रही हो, ये दिमाग में चला जाना चाहिए कि ये जब तक है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आप लोग अगर तैयार है तो आप लोग कोई बच्ची जाती है स्कूल के अंदर तो जब तक वापस नहीं आती कैसे नहीं लगता है। ये आज राजस्थान है, और मैं अभी देख ही रही थी इनके अंदर जो लिख दिया है, मेरे को ये बताया भ्रष्टाचार में हम नंबर एक है ही है, परंतु महिला दुष्कर्म के मामले में जयपुर शहर पहले नंबर पे है, और महिलाओं को उत्पीड़न में हम लोग तीसरे नंबर पे है। सोचो कितनी अच्छी बात है, राजस्थान का कभी कोई नाम लेगा तो बोलेगा अच्छा हाँ महिला उत्पीड़न के अंदर होता है, अच्छा हाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर होता है तो राजस्थान में होता है। अरे वो राजस्थान जहाँ SC और ST के अत्याचार में वो प्रदेश पहला नंबर में, वो राजस्थान जहाँ आदिवासी उत्पीड़न में वो देश के दूसरे नंबर में। अरे कोई अच्छी चीज तो हो जिससे हम लोगों को याद किया जाए। तो मैंने सब लोगों को कह दिया कि आने वाले समय के अंदर एक नए राजस्थान का सपना लेके हम लोग चलेंगे, एक ऐसा नया राजस्थान जिसके अंदर युवा महिला किसान व्यवसाय सब लोग जल्दी से जल्दी स्कॉल और सब मजहब एक साथ मिलकर प्यार से चलेंगे, तब इस राजस्थान का नक्शा बदलेंगे। और नक्शा बदलने वालों में युवा आगे चलेंगे, महिला आगे चलेंगी, हम लोग सब उनके साथ चलेंगे। क्यों तैयार हो? ओहो, 4 घंटे से बैठे हो, उसकी आवाज ही निकल रही, निकाली की नहीं जोर से, तैयार हो लड़ने के लिए? बात तो बड़ा हल्ला करने के अंदर तो आवाज नहीं निकल रही, बताओ तैयार है लड़ने के लिए? ये सरकार बन लोगे? और फिर ये दिसंबर के महीने के अंदर आपकी परीक्षा आ रही है, इसमें सब लोग मिलके साथ चल के राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज लाने का काम करेंगे, तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके राज मैं नहीं करूंगी, सेवा मैं करूंगी, साथ मिलके हम लोग राज करेंगे। ये विश्वास आप लोग सबको दिला के एक छोटा नारा देकर बोलेंगे, जय जय राजस्थान। जो से बोलो जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी, सब लोगों को बहुत सारा प्यार।